And the hats off to Vishakha ma'am. She is not well. Not वेलकम बैक टू पी सी ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आज मैंने स्वेट शर्ट पहना है। इतनी ठंड नहीं रही थी, दोपहर को धूप रही थी, मैंने कल के ब्लॉग में बोला। लेकिन सुबह जिस वजह में निकल रहा हूँ ना अभी, मतलब इट्स 8:15 इन द क्लॉक एंड अभी जा रहा हूँ मैं, तो सुबह सुबह ठंड लगती है तो स्पीड भी कट हो जाती है और फिर आगे के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बॉडी खुद को हीट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी यूज़ करती है। तो उसके लिए आज मैं स्वेट शर्ट पहन के जा रहा हूँ, ताकि कुछ वहाँ पे जाके और कोरियोग्राफीज करके पूरा सेशन ख़त्म करना है मुझे। ट्राई करूँगा कल का दिन वहाँ पे लास्ट हो जाए, कुछ होता है तो मैं फ्राइडे को जाऊँगा, नहीं तो कल का लास्ट डे होगा एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप ऑल द गैदरिंग्स। मैं भी हो ही चुके हैं सबके, एक दो बचे हैं, शायद वो हमें फ़ोन करे या ना भी करे, जो भी है जैसा भी है, अपन वी आर गोइंग टू स्टॉप इट नाउ एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन द क्विज कॉम्पिटिशन, जो आपके लिए नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। उसके बाद एक फिल्म शूट करनी है मुझे, तो उसके बारे में बताना है आपको आने वाले दिनों में। तो वेट फॉर द 8 मार्च एंड यू आर गोइंग टू गेट द टोटल डिटेल्स। बस अभी सिर्फ एक स्कूल रहेगा जो चालू रहेगा, ये भी लास्ट मंथ है, आज मार्च का फर्स्ट डे है, तो ये लास्ट मंथ है भक्ति वेदांत का। इस मंथ के एंड तक वो स्कूल ख़त्म होने वाला है। अप्रैल में कोई स्कूल्स नहीं है, अप्रैल में अपना CDA एंड द प्रोजेक्ट। तो फिलहाल चलते हैं, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, हैव अ नाइस डे। चलो गाइस, तो मैं काराटे स्कूल में पहुंच चुका हूं एंड यहां पे स्कूल क्लासरूम्स बंद है, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं। दिस इज़ द पंक्चुअलिटी। एक्चुअली ये गलती भी मेरी है, दो दिन मुझे लेट हो गया, बच्चे जल्दी आ गए थे, तो सर को भी लगा कि आज मैं लेट होने वाला हूँ। मैंने बताया था उनको कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, तो क्या पता क्यों नहीं आए वो। तो क्लासरूम तो पैक है, लेकिन यहाँ के बच्चे देखो कितने पंक्चुअल है। आई जस्ट लव देम, दे आर सो पंक्चुअल एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस हियर इन इज अंडर दिस ग्रेट ट्री वी आर हियर सी। सो आप देख लो, इसके क्लिप्स आपको मिलने वाले, क्योंकि यहाँ पे अपने विशाखा मैम है एंड द हैट्स ऑफ टू विशाखा मैम। शी इज़ नॉट वेल, नॉट फीलिंग वेल, उनको कोल्ड हो चुका है, कल बुखार था, लेकिन चलो शी इज हियर। अजब एक्सपीरियंस है ये, बाहर प्रैक्टिस ले रहे हैं, ठंडी हवा है, अच्छा लग रहा है। Thank you.
फाइनली यहाँ का लास्ट हो चुका है आज। कल शायद यहाँ पे आना पॉसिबल ना हो पाया हमारे लिए, देखते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कल के व्लॉग में। एंड अभी हम जा रहे कुछ अलग रास्ते से, नया वाला रास्ता है, आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये देखिए डैम है यहाँ पे, और ये ब्रिज है। आई थिंक वो ओल्ड ब्रिज रहेगा कुछ तो अलग, उसकी वजह से वहाँ पे है वो। वहाँ से ये रिवर इस तरह से जाती है, और यही वो रिवर थी जो ओवरफ्लो होने की वजह से हमें स्कूल्स के लिए छुट्टी लेनी पड़ी, तो ये सब वो ये वाली रिवर है, और ये फुल हो जाती है। इसका देख रहे हो ब्रिज यहाँ से कितना नज़दीक है वो नीचे से। स्पष्ट खाली बसून टाकू विषय सगळ्या